दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश लॉकडाउन है। ऐसे में कोई बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और लोगों को बहुत सारी समस्या आ रही है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा 125 करोड़ विद्यार्थियों के लिए बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है। अगर आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 में किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप वगैरह पाते हैं या किसी प्रकार की अगर आपको कोई छात्रवृत्ति मिलती है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। राज्य सरकार के द्वारा आपको 31 मार्च तक आपके खाते में स्कॉलरशिप भेज दिया जाएगा, छात्रवृत्ति भेज दिया जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कहां से ऑफिशियल अपडेट मिला उसकी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सो हाय गाइस, मैं अमर, आप देख रहे हो टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ जो है छोटे से नन्हे से बेल आइकन नोटिफिकेशन का दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो दूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। सबसे पहले दोस्तों, ये जो न्यूज है ये हिंदुस्तानी पेपर के द्वारा है और आज के डेट का ही न्यूज है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 125 करोड़ बच्चे के खाते में 31 तक जाएंगे 3500 करोड़ रुपए। कोरोना से लड़ाई में सरकार ने ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है जिसमें सरकार कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 के बच्चों को स्कॉलरशिप देगी। तो ये जो बड़ा निर्णय लिया गया है कोरोना वायरस और भारत बंदी और भारत मंदी को देखते हुए लिया गया है। केंद्र सरकार बहुत सारे स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर बात की जाए केंद्र सरकार के द्वारा तो आप जो है सरकारीयोजना.com पर जाकर अपडेट पा सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम शुरू किए गए हैं राहत पैकेज के तहत। इसी में राज्य सरकार भी पीछे क्यों रहेगी, राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर पैकेज लॉन्च कर दिया गया है जिसे राज्य राहत पैकेज का नाम दिया गया है। इसमें जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 के बच्चों को खाते में डायरेक्ट छात्रवृत्ति भेजी जाएगी और छात्रवृत्ति जो है 31 मार्च यानी 3 से 4 दिन के भीतर आपको मिल जाएगा। क्या कुछ अपडेट है उसके ऊपर बात करते हैं। राज्य के सरकारी और सरकार स्वपोषित विद्यालयों में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को लाभुक योजना की राशि उनके खाते में 31 मार्च तक चली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रवृत्ति की राशि 31 तक देने का निर्देश दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति समेत तमाम लाभुक योजनाओं के राशि तय समय में भेज देने के संकल्प के साथ कोरोना संक्रमण के बीच तत्प्राप्त से जुटा हुआ है। गौरतलब है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पहले से लेकर 12वीं तक के करीब 2.25 करोड़ विद्यार्थी नामांकित हैं। सरकार द्वारा साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन और किशोर स्वास्थ्य योजना जैसी राशि उन्हें दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, इसमें सभी प्रकार की छात्रवृत्ति को शामिल किया गया है। अगर आपको पोशाक के लिए छात्रवृत्ति मिल रहा था, साइकिल के लिए छात्रवृत्ति है या छात्रवृत्ति है या प्रोत्साहन योजना है या किशोर स्वास्थ्य योजना है, किसी भी योजना के तहत आपने इनरोल करा रखा था स्कूल से, तो आपको जो इसकी छात्रवृत्ति मिल जाएगी। और ये जो छात्रवृत्ति है ऐसे विद्यार्थियों को मिलेगी जिनकी उपस्थिति 75% यानी 100 दिन में अगर वो 75 दिन स्कूल गए होंगे उन लोगों को मिलेगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य परियोजना निर्देशक संजय सिंह के मुताबिक ऐसे विद्यार्थियों की संख्या प्रभावित कक्षाओं में से 1.5 करोड़ है। 9वीं से 12वीं के बीच भी 75% हाजिरी वाले विद्यार्थी की संख्या करीब 30 लाख होने का अनुमान है। यानी कि ये जो सब्सिडी या सॉरी ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है ये 75% अटेंडेंस वाले छात्रों के दी जा रही है और कुल छात्र जो हैं बहुत ज्यादा संख्या में, लेकिन कुल जो 75 अटेंडेंस पूरा करने वाले छात्र हैं वो लगभग 1.25 करोड़ हैं, यानी 1.50 करोड़ के आसपास जो भी एक आंकड़ा निकल के आता है उस आंकड़ा में है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक संजय कुमार के मुताबिक ऐसे विद्यार्थियों की संख्या प्रभावित कक्षाओं में से 1.5 करोड़ है। 9वीं से 12वीं के बीच भी 75% हाजिरी वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 30 लाख होने का अनुमान है। इसी प्रकार से करीब 1.35 करोड़ छात्र छात्राओं को 31 मार्च तक करीब 500 करोड़ रुपए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके खाते में दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने स्कूल गया था, आपका अटेंडेंस 75% से अधिक है, स्कूल में जाकर कोई आवेदन नहीं करना है। अगर आपका अटेंडेंस 75% से अधिक रहा होगा पिछले दिनों में तो आपको ये पैसा डायरेक्ट मिल जाएगा, कहीं पे जाके आवेदन नहीं करना है, क्योंकि सभी सरकारी संस्थाएं सभी स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। सरकार के द्वारा ये जो पैसे हैं 31 तक यानी 31 मार्च तक आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। आपको कहीं आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते आपका जो अटेंडेंस है वो 75% से अधिक होना चाहिए या 75% तक होना चाहिए। शिक्षा विभाग ने पहली बार लाभुक योजना की राशि राज्य मुख्य
से सीधे विद्यार्थियों के खाते में डालने की व्यवस्था की है। इसके लिए मेघा साफ्ट नामक एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसे जिले से स्कूलवार आए दावे की फिलहाल जांच चल रही है। इस सॉफ्टवेयर में एक एक बच्चे का ब्यौरा अपलोड किया गया है, यानी कि दोस्तों एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसमें आपके अटेंडेंस का ब्यौरा दिया गया है, और जिन जिन का अटेंडेंस 75% या मोर देन 75% रहता है, उनके आधार कार्ड के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा उनको जितना भी छात्रवृत्ति मिलना होगा मिल जाएगा। इसके लिए सरकार ने है 125 करोड़ बच्चों को चयनित किया है और 35,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। सीएम का निर्देश क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, तो 1 से 12 तक के बच्चे के खाते में छात्रवृत्ति भेजने का निर्देश सीएम यानी माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा दे दिया गया है। शिक्षा विभाग के अफसर राशि खाते में भेजने में जुटे हुए हैं, यानी शिक्षा विभाग के जो कार्यकर्ता हैं वो काम करने में लगे हुए हैं। 60 लाख विद्यार्थियों के खाते में सीधे राशि भेजी गई, यानी कि यहाँ पर बताया गया सीधे जो है 60 लाख विद्यार्थियों के खाते में राशि भेजी गई। अब ये क्या है, बच्चे के ब्यौरों की जांच तथा उनके आधार पर राशि भेजे जाने की प्रक्रिया चूंकि ऑनलाइन है और इंटरनेट कनेक्शन आदि में काफी समय लग रहा है, इसलिए कोरोना की दहशत में के बीच भी गुरुवार के रात 11 बजे तक शिक्षा विभाग ने काम होता रहा, यानी कि गुरुवार के रात 11 बजे तक शिक्षा विभाग काम करता रहा और आपका डाटा इकट्ठा करने में लगा रहा। विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि गुरुवार रात तक 60 लाख विद्यार्थियों के खाते में राशि भेजी भी जा चुकी है, शेष बच्चों को 31 मार्च तक पैसा चला जाएगा ताकि इस आपदा स्थिति में पैसा उनको यानी उनके पास कुछ पैसा आ सके। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिलती है राशि 10,000 मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत। तो जो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन किए थे उनको 10,000 रुपये मिलेगा। 10,000 रुपये मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 10वीं में फर्स्ट डिवीजन और BC2 वाले विद्यार्थी को मिलेगा। 10,000 रुपये मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जिन्होंने 10वीं में फर्स्ट डिवीजन सामान्य व अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को मिलेगा, यानी मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ मिल जाएगा। और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 10वीं में जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन से प्राप्त किया था, लड़की जो ये है BC2 कैटेगरी से या सामान्य कैटेगरी से, उनको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं फर्स्ट डिवीजन से सामान्य या अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र या छात्रा उनको 10,000 रुपये मिल जाएगा। 3,000 रुपये मुख्यमंत्री बालिका बालक साइकिल योजना के तहत मिलेगी। 500 रुपये मुख्यमंत्री बालिका पोशाक 9वीं और 12वीं के छात्रों को दिया जाएगा। 600 रुपये मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 1 से 2 के सभी छात्रों को दिया जाएगा। 700 रुपये मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 3 से 5वीं तक के स्टूडेंट को दिया जाएगा। 1,000 रुपये मुख्यमंत्री पोशाक योजना 6वीं से 8वीं के विद्यार्थी को दिया जाएगा सभी के लिए। 300 रुपये मुख्यमंत्री किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। 600 रुपये छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से 4 के सभी स्टूडेंट को दिया जाएगा। 1,000 रुपये 5 से 6 के सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा और 1,800 रुपये 7वीं से 10वीं के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। तो इतनी सारी रकम है, इतने सारे स्टेज हैं जिस स्टेज पे सरकार के द्वारा आप लोगों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। ऑफिशियल अपडेट है लाइव हिंदुस्तान के द्वारा, तो दोस्तों आप लोगों के खाते में 31 तक पैसा पहुंच जाएगा। अगर पैसा पहुंच जाता है तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ आपके खाते में पैसा पहुंच गया। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था, मिलते हैं आपसे ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।